नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। और लटेरी में भीम आर्मी पूर्व जिलाध्यक्ष गबर सिंह तहसील अध्यक्ष द्वारा लटेरी में प्रेस वार्ता का मीडिया को जानकारी दी गई कि भीम आर्मी एकता मिशन आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय एवं स्थानीय क्षेत्रवासियों के मुद्दों और जरूरतों को लेकर आगामी 3 मार्च में लटेरी के एक बड़े स्तर की हुंकार रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की 16 सूत्रीय मांगे शामिल रहेंगी। उन्होंने भाजपा की सरकार में एससी एसटी ओबीसी दलित वर्ग के लिए बनाई गई हितकारी योजनाओं को नाम मात्र की योजना और लॉलीपॉप का नाम दिया। उनका कहना है कि भीम आर्मी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों पर होने वाले जुल्म ज्यादती की घटनाओं के विरोध निरंतर आवाज उठाई जाती रही है। केकेआर न्यूज के लिए मुनव्वर खान की रिपोर्ट। गब्बर सिंह जी, आज किन मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता रखी? आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन हुंकार रैली व लटेरी की क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को रैली निकालकर हम प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे और इसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन होगा। और जिसमें हमारी पहली मांग यह है कि सर्वप्रथम ये मांग है कि सरोज लटेरी चौराहा, ये लटेरी में जो सरोज लटेरी चौराहा है उस पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए। और चूंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन व एससी एसटी ओबीसी के अन्य संगठन इस मांग को लेकर काफ़ी बार शासन प्रशासन तक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया है। तो ये 3 मार्च को जो हम बहुजन हुंकार रैली निकाल रहे हैं, इसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और ये प्रशासन को हमारी अंतिम चेतावनी होगी। इसमें हम प्रशासन को 15 दिन का समय देंगे और 15 दिन के समय में प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार करता है और बाबा साहेब की प्रतिमा को रखता है तो ठीक है, अगर नहीं रखता है तो फिर हम अपने माध्यम से वहाँ पर बाबा साहेब की प्रतिमा रखेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। और कौन कौन सी मांग? इसके अलावा हमारी और दूसरी मांग ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो आज भी झोंपड़ियों झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो उनके लिए भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक महाअभियान चलाया है और इस अभियान में हमारी मांग यह है कि उन्हें पक्का मकान हमारा हक है, ये नारा दिया हमने, पक्का मकान हमारा हक है, हमें पक्का मकान चाहिए। हम गांव-गांव जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं और उन लोगों की सूची बना रहे हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं और उनकी दीवारों पर जाकर पेंटिंग कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि अभी छतरपुर में हैं धीरेन्द्र शास्त्री, चमत्कारी बाबा जिसको बोलते हैं, उसके भाई ने एक दलित समाज के परिवार में शादी हो रही थी, उसमें उत्पात मचाया और उसमें बोला कि मेरे हिसाब से गाने चलेंगे। तो उत्पात मचाने के बाद हमारे लोगों ने FIR की और पूरा शासन प्रशासन सब कुछ, सारे नेता मंत्री उसके संरक्षण में है। उससे धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो 17 मार्च को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी छतरपुर की धरती पर आ रहे हैं तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी ये मांग है। और प्रमुख रूप से और हमारी ये मांग भी है कि आज ना होना चाहिए, ये मांग भी है। और बढ़ते हुए विद्युत बलों में कटौती कर विद्युत बल का समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और वृद्धा विधवा विकलांग सर्वे सूची में नाम जोड़कर उनको पुरानी पेंशन बहाल दी जाए, ये हमारी मांग है। और कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाए। इसके अलावा किसानों को समय पर खाद बीज एवं बिजली समय पर उपलब्ध कराना एवं उनकी इकाई कृषक लागू करना, ये हमारी मांग है, क्योंकि इस देश का किसान अन्नदाता है तो उसकी मांग को उठाना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी मांग यह है कि एससी एसटी ओबीसी जितने भी छात्राएं हैं वो छात्रवृत्ति के लिए परेशान हो रहे हैं तो उनको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान छात्रवृत्ति और मिलनी चाहिए और जो आवास की किस्त है वो समय पर डालनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये भी मांग है कि बैकलॉग पद हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो बैकलॉग पद हैं उन पदों की जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए, जिससे एससी एसटी ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार छात्र नौकरी से लग सकें। इसके अलावा इस देश में केंद्र सरकार बेतहाशा गति से निजीकरण कर रही है, जो लोकतंत्र एवं संविधान विरोधी है उसको निजीकरण को बंद करके निजीकरण बंद किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है।
और इसके अलावा ये भी मांग है कि आशा कार्यकर्ता व रोजगार सहायक को नियमित किया जाए और शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति और प्रमोशन दिए जाए। ये हमारी सारी सभी मांग है, 15 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और इस आंदोलन में इस हम प्रशासन को एक तरफ से चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 तारीख को 20,000 लोग होते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पर 2 लाख लोग भी होंगे अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं मांगता है। ये आपका जो आंदोलन हो रहा है, हुंकार रैली जो आप निकाल रहे हो, इसका स्थान क्या रहेगा? इसका स्थान ये है अम्बेडकर भवन मकसूदन रोड लटेन, यहाँ से हम सुबह 11 बजे से हुंकार रैली प्रश्न। यहाँ जो आवेदन आप दे रहे हैं, इस आवेदन के लिए जो कार्य क्षेत्र रहेगा, जो विभिन्न मांगे हैं, यहीं के क्षेत्रवासियों के लिए हैं या सारे मध्य प्रदेश के लिए? इसमें ज्यादातर मांग क्षेत्रवासी मांगे हैं और कुछ मांगे ऐसे हैं कि जिनको हम राष्ट्रीय लेवल पर भी उठाते हैं और क्षेत्रीय लेवल पर भी उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भाजपा की सरकार में जो है दलित SC ST OBC के लिए कार्य योजनाएं नहीं बनाई गई हैं? बनाई गई हैं, सिर्फ वो एक लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और बहुजन समाज के लोगों को वोट।